हाय गाइस, आई एम मामुनी। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में एनिमेशन ड्यूरेशन को कैसे सीएसएस पर यूज़ करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम एचटीएमएल स्ट्रक्चर लिखेंगे और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एनिमेशन ड्यूरेशन। और बॉडी के अंदर यहाँ पर मैं एक डिव ओपन कर लेती हूँ और क्लोज कर दिया। और डिव ओपन से पहले मैं एक टैब को ओपन करती हूँ यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, और डिव क्लोज होने के बाद फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन को करती हूँ ओपन। टैब को ओपन कर दिया, फाइल पर जाकर मैं इसे सेव कर देती हूँ और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश कर दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर आ गया है। और यहाँ से मैं ये जो डिव है ये डिव को करती हूँ कॉपी। यहाँ पर मैं कर देती हूँ पेस्ट स्टाइल डॉट सी एस एस पर कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो इसकी हम लिंक दे देते हैं टाइटल पर स्टाइल डॉट सी एस एस। कंट्रोल एस सेव करके यहाँ पर करते रिफ्रेश। यहाँ पर वाइड विल बी 70 पिक्सल, हाइट विल बी 70 पिक्सल, बैकग्राउंड येलो। कंट्रोल सेव करके यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए हमारा डिव 70 पिक्सल वाइट हाइट पर आ गया और येलो कलर पर भी आ गया। और पोजीशन रिलेटिव एनिमेशन डिव बॉक्स मूविंग इनफिनाइट। कंट्रोल एस सेव कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं की फ्रेम्स देती हूँ एडिट की फ्रेम्स नेम डिव बॉक्स से जो मूविंग है इसे कर देती हूँ कॉपी। और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पर मैं फ्रॉम लेफ्ट से 0 पिक्सल और टू लेफ्ट से 250 पिक्सल। उसके बाद इसे मैं सेव कर देती हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करती हूँ। तो यहाँ पर अब हम एनिमेशन ड्यूरेशन लगाएंगे। यहाँ पर हम एनिमेशन ड्यूरेशन दे देते हैं 6 सेकेंड। कंट्रोल एस सेव करके यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो डिव है वो 6 सेकेंड एनिमेशन ड्यूरेशन हो रहा है। तो देखिए कैसे इजीली हमने वेब पेज पर एनिमेशन ड्यूरेशन को क्रिएट कर लिया। तो आपका वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।